नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आईपीएल की तर्ज पर अब उत्तराखंड प्रीमियर लीग का भी आगाज होने वाला है, जिसको क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड शुरू करने जा रहा है। हम कुछ जानेंगे इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है क्रिकेट प्रेमियों के लिए और कैसे पहाड़ के युवाओं को एक टैलेंट मिलने वाला है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सेक्रेटरी मौजूद है। महिम सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे आप लोग जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे, 15 सितंबर से 22 सितंबर चलेगा, क्योंकि विंडो बहुत ज्यादा बड़ी मिली नहीं है। उसके अगले दिन हफ्ते से डोमेस्टिक चालू हो जाएगा बीसीसीआई का। तो इनिशियली हमने 5 फ्रेंचाइज मेंस में और 3 वुमेन्स में ली है और राउंड राउंड के मैच खेले जाएंगे। एंट्रीज पे फ्री है। इसके अलावा जो विनर्स है मेंस में वो 25 लाख है, रनर्स 15 लाख है, वुमेन्स 7 और 3 लाख है, और जो मैरिज सीरीज है वो 1 लाख है और वो उसे 25,000 है। सर, जो टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इसमें वुमेन्स को भी बढ़ावा देने के लिए, पहाड़ की बेटियों के लिए भी आप लोगों ने, क्रिकेट एसोसिएशन ने इसमें इनिशिएटिव लिया, वो सर क्या है? क्योंकि पहाड़ में हम चैंपियंस या वुमेन्स दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये हमारे बच्चे जाके आज कई फाइनल्स खेल रहे हैं डोमेस्टिक में और इवन आईपीएल में भी खेल रहे हैं। चाहे यहाँ से देखे एकता बेस्ट है और भी तमाम है, तो जो हम लोगों से बेस्ट हो सकता है वो हम करते हैं। यूपीएल करा रहे हैं, खुद ही अपने आप एक्सपोजर लाइव चले गए हैं सोनी पे और ओटीटी में लाइव आएगा, तो उनके लिए प्लेयर्स के भी है कि लोग बाहर बैठ के जो भी सेलेक्टर्स हैं कुछ यहीं आके वॉच करते हैं, कुछ टीवी में देखते हैं, फ्रेंचाइजेस जो आईपीएल की वो टीवी देखती है, तो चांसेस है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे तो नेचुरली वो सेलेक्ट होंगे फिर आईपीएल के लिए। तो ये यूपीएल जो है आईपीएल की तर्ज पे सक्सेसफुल होने वाला है और एक युवाओं को नया एक मंच मिलेगा इससे क्रिकेट प्रेमियों को। देखिए, सबसे बड़े सक्सेसफुल तो आप ही लोग बनाएंगे, हम तो कोशिश कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा सर, किस तरीके की चुनौतियां आ रही है आप लोगों, जैसे कि फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे या कुछ नेशनल कोलैबोरेशन? तो हम आ रहे हैं, तो फ्रेंचाइजेस की बात करें, फ्रेंचाइज बाहर से आई है, मेरा ये था कि कुछ स्टेट से आती है, तो हो सकता है कि भाई पहली बार कर रहे हैं आप, इतना नहीं किसी को होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं कि उम्मीद करते कि उत्तराखंड से फ्रेंचाइज आएंगी, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी चाहे वो आप देखें एपीएल है, बाहर से है, मैक्सिमम बाहर से है। अच्छा सर, जनरली देखा जाता है आईपीएल में ग्लैमर का तड़का लगता है और ये और क्रेजी बना देता है, तो यूपीएल में क्या कुछ होगा खास? यूपीएल में हार्डी संदेह किया है, लेकिन हम और भी अप्रोच कर रहे हैं, कोशिश हमारा कि बेहतर से बेहतर करने की है, तो उम्मीद करते हैं और बेहतर होगा। अभी जो मेरे पास कन्फर्म था वही मैंने बोला कि हार्डी संदेह को कन्फर्म किया हम लोगों ने, क्योंकि मेरे मित्र भी हैं वो आ ही रहे हैं। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि मैं कुछ और जो आपका फिल्मी उससे इनको बुलाया जाए। इसे मापदंड सर अंतरराष्ट्रीय में किस चीज की जो यूपीएल हो रहा है उसका जो मापदंड पैरामीटर रखा है आप लोगों ने, तो जो अन स्टेट करा रहे हैं उनको सर देखा गया है इंटरनेशनल? नहीं नहीं, जैसे वो एक गाइडलाइन बीसीसीआई जाती है कि हमको उसी जैसे हमारे प्लेयर्स, हम हमारे रजिस्टर्ड प्लेयर्स खेलेंगे और एंटी करप्शन ने बीसीसीआई बुला रखा है, तो जो मापदंड उनको बीसीसीआई देती है उसी पे ही कराते हैं। अपनी मर्जी से एक प्लेयर भी ले सकते हैं बाहर से, कोच जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, कोचेस है, वो प्रेफरेंस पहले यहाँ की रहेगी, अगर यहाँ पे कम्पिटेट नहीं हो पाता तो वो बाहर जाते हैं। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे, यूपीएल में क्या कुछ पहाड़ के कल्चर और इन सब कुछ, या आजकल ग्लोबल थाली भी मिलेट्स पहुंच रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें भी परोसी जाएंगी? मैंने कहा कोशिश पूरी कर रहे हैं, पहाड़ी व्यंजन है ये सब रहेगा, कोशिश करेंगे पहाड़ी कुछ एक कल्चर प्रोग्राम भी डालेंगे। धन्यवाद। देखा है हमारे साथ थे सचिव महिम वर्मा, जो बता रहे थे कि जो यूपीएल है वो बीसीसीआई की गाइडलाइन के तहत होने जा रहा है। पहली बार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इसका आगाज कर रहा है और इसमें खास बात यह है कि 3 टीमें महिलाओं क्रिकेट की भी शामिल होगी, 5 इसमें प्रीमियर्स हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग जगह से हैं। तो क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए ये जो यूपीएल है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पंकज तलवार, साथ में रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।